आपको अपडेट करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास से जारी है। पीटीआई पर पाबंदी, बानी पीटीआई, आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतालिक मशावरत का इम्कान है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सनाउल्ला खान से। जी सनाउल्ला, अपडेट कीजिएगा। देखें, जो काबीना का मामूल का एजेंडा है उसमें तो ये चीजें शामिल नहीं है कि लेकिन इम्कान यही है क्योंकि काबीना को अभी तक ये जो प्रपोजल बताई गई थी इनके बारे में इत्मीनान में नहीं दी गई है। तवक्को यह है कि आज तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से या आर्टिकल 6 के फैसले के हवाले से कोई ना कोई प्रपोजल डिस्कस की जा सकती है। इसके साथ काबीना का मामूल का एजेंडा भी है जिसमें दोस्त ममालिक के जो इन्वेस्टर हैं उनको वीजे के बगैर पाकिस्तान में एंट्री के मामले में तय किया जाएगा। FCCP एक्ट 1992 के तहत खसूसी अदालतों के क्याम की तजवीज भी है और इसके अलावा पायदार तरक्की के हवाले से कोई तजवीज है। निष्पारी कमीशन के बोर्ड के मेम्बरान की तादाद बढ़ानी है, तो इस किस्म की कुछ तजावीज है। लेकिन ओवरऑल मुल्क की सिक्योरिटी की और इकॉनमी की सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सनाउल्ला खान अपडेट करने के लिए।